हाय गाइस, माय नेम इज़ अर्चना एंड लर्न विद अस में आज हम डिस्कस करेंगे ट्रेनिंग डिज़ाइनिंग प्रोसेस के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन को अगर कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट कराना हो तो उससे पहले उन्हें एक प्रॉपर प्लानिंग करनी होती है, जैसे कि उन्हें आइडेंटिफाई करना होता है कि उनकी ट्रेनिंग नीड्स क्या है। उसके बाद उन्हें एक प्रॉपर ट्रेनिंग कैलेंडर प्रिपेयर करना होता है एंड ट्रेनिंग बजट ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है, तो उन सब चीज़ों में उन्हें मैनेज करनी होती है उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को। एंड एंड ऑफ द ट्रेनिंग उन्हें इवॉल्वेट करना होता है कि ये ट्रेनिंग जो थी वो एक्चुअल में एम्प्लॉयज़ को बेनिफिशियल थी या नहीं थी। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं ट्रेनिंग डिजाइनिंग प्रोसेस। सो चलिए इस प्रोसेस को डिटेल में स्टडी करते हैं। सो कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। द ट्रेनिंग प्रोसेस कंप्राइजेस ऑफ अ सीरीज ऑफ स्टेप दैट नीड टू बी फॉलोड सिस्टमेटिकली टू हैव एन एफिशिएंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। सो ट्रेनिंग प्रोसेस जो है वो सिस्टमेटिक प्रोसीजर है। सो ऑर्गेनाइजेशन को स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को फॉलो करना होता है ताकि वो एक इफेक्टिव ट्रेनिंग को इम्प्लीमेंट कर सके। द ट्रेनिंग इज अ सिस्टमेटिक एक्टिविटी परफॉर्म टू मॉडिफाई द स्किल्स एटीट्यूड्स एंड द बिहेवियर ऑफ एन एम्प्लॉय टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर जॉब। सो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो एक सिस्टमेटिक एक्टिविटी है जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ के स्किल्स एटीट्यूड एंड बिहेवियर को मॉडिफाई करती है ताकि वो अपने जॉब को और बेटर वे से परफॉर्म कर सके। सो ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोसेस। सो ये प्रोसेस जो है एक प्लान प्रोसेस होती है जिसमें फर्स्ट स्टेप जो है वो ऑर्गेनाइजेशन एनालाइज करती है कि उनकी ट्रेनिंग नीड्स क्या है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन एक ट्रेनिंग प्रोग्राम डिज़ाइन करती है एंड उसे डेवलप्ड करती है। आफ्टर दैट वो उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करती है कि उन्हें बेटर रिजल्ट मिल सके। एंड एट द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम वो इवॉल्वेट करती है कि उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम जो था वो इफेक्टिव था कि नहीं था। तो फर्स्ट स्टेप है नीड असेसमेंट। द फर्स्ट स्टेप इन द ट्रेनिंग प्रोसेस इज टू असेस द नीड फॉर ट्रेनिंग द एम्प्लॉयज। सो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे एनालाइज करती है कि कौन से ऐसे एरियाज है जहाँ पे ट्रेनिंग नीड्स रिक्वायर्ड है। द नीड फॉर ट्रेनिंग कुड बी आइडेंटिफाइड थ्रू अ डायग्नोसिस ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर चैलेंजेस एंड थ्रू अ गैप बिटवीन द एम्प्लॉयज एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। सो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे एनालाइज करती है एम्प्लॉयज का जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है एंड उनका स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है। तो इन्हें बेसिकली वो कंपेयर करती है ताकि वो एनालाइज कर पाए कि ऑर्गेनाइजेशन की ट्रेनिंग नीड्स क्या है या एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग नीड्स क्या है। द नीड असेसमेंट कैन बी स्टडीड फ्रॉम टू परस्पेक्टिव, इंडिविजुअल एंड ग्रुप। नीड असेसमेंट को स्टडी किया जाता है दो परस्पेक्टिव से, एक इंडिविजुअल और एक ग्रुप। द इंडिविजुअल ट्रेनिंग इज डिजाइन टू इन्हांस द इंडिविजुअल इफिशेंसी वेन नॉट परफॉर्मिंग एडुकेटली। अगर कोई एम्प्लॉयज जो है वो इफेक्टिवली परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है, वो आउटपुट नहीं दे पा रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन को, तब वहाँ पर आ जाता है इंडिविजुअल ट्रेनिंग की नीड्स। Whereas एज द ग्रुप ट्रेनिंग इज intended टू inoculate द न्यू चेंजेस इन द एम्प्लॉयज ड्यू टू अ चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी। सो ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप ट्रेनिंग को कंडक्ट कराती है जब वो किसी न्यू टेक्नोलॉजी को या न्यू चेंजेस को ऑर्गेनाइजेशन में लेके आती है ताकि एम्प्लॉयज जो है वो उस चेंजेस के साथ कोप अप कर सके एंड उनका परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो। सेकेंड है ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव। वंस द नीड्स आर आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव फॉर विच द ट्रेनिंग इज टू बी कंडक्टेड आर एस्टैब्लिश। एक बार ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफाई हो जाती है उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑब्जेक्टिव को फॉर्म कर लेते हैं। द ऑब्जेक्टिव कुड बी बेस्ड ऑन द गैप सीन्स इन द ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्टेड अर्लियर एंड द स्किल सेट डेवलप्ड बाय एम्प्लॉय। सो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन एनालाइज करती है कि उनकी जो लास्ट ट्रेनिंग सेशन थी वहाँ पे कौन से ऐसे एरियाज थे जिन्हें इम्प्रूव करना चाहिए ये ट्रेनिंग सेशन में ताकि एम्प्लॉयज के स्किल्स और ज़्यादा डेवलप। डिजाइनिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम। द नेक्स्ट स्टेप इज टू डिजाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम इन लाइन विद द सेट ऑब्जेक्टिव। एवरी ट्रेनिंग प्रोग्राम इनकंपासेस सर्टन इशूज सच एज हु आर द ट्रेनी, हु आर द ट्रेनर्स, वॉट मेथड आर टू बी यूज फॉर द ट्रेनिंग प्रोग्राम। सो ऑर्गेनाइजेशन जब ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन करती है तब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि कौन ट्रेनी रहेंगे उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। उसके बाद ट्रेनर्स जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, देन कौन से मेथड्स को उन्हें यूज़ करना है ताकि उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को वो और इफेक्टिव वे से डिलीवर कर सके। अल्सो द कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान इज डिजाइन दैट इंक्लूड्स द ट्रेनिंग कॉन्टेंट, मटेरियल, लर्निंग थियोरीज, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन एंड द अदर ट्रेनिंग रिक्विजाइट। सो यहाँ पे बाकी सब चीज़ों को भी कंसिडर किया जाता है, जैसे कि ट्रेनिंग कॉन्टेंट क्या होगा, ट्रेनिंग मटेरियल, देन कौन सी लर्निंग थियोरीज इन्हें प्रोवाइड करनी है। सो ये सब चीज़ों को भी कंसीडर किया जाता है जब ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम को डिज़ाइन करती है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम। वंस द डिज़ाइन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम इज कम्प्लीटेड द नेक्स्ट स्टेप इज टू पुट इट इनटू द एक्शन।
सो एक बार ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम को डिज़ाइन कर लेती है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है उसे इम्प्लीमेंट करना. द फॉरमोस्ट डिसीजन दैट नीड टू बी मेड इज वेयर द ट्रेनिंग प्रोग्राम विल बी कंडक्टेड, आइदर इन हाउस और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. सो ऑर्गेनाइजेशन को ये डिसाइड करना होता है उन्हें ट्रेनिंग प्रोग्राम कहाँ कंडक्ट कराना है, उन्हें इन हाउस मतलब ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट कराना है या आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन मतलब आउटडोर ट्रेनिंग काइंड ऑफ सेशन उन्हें कंडक्ट कराना है. वंस इट इज़ डिसाइडेड द टाइम फॉर द ट्रेनिंग इज सेट अलॉन्ग विद द ट्रेनर हु विल बी कंडक्टिंग द ट्रेनिंग सेशन. सो एक बार ये डिसाइड हो जाता है कि उन्हें ट्रेनिंग कहाँ कंडक्ट करानी है, उसके बाद वो मैसेज कन्वे कर देते हैं ट्रेनर को रिगार्डिंग द ट्रेनिंग सेशन. Also, the trainees are monitored continuously throughout the training program to see if it's effective and is able to retain the employee's interest. During training sessions, trainees को continuously monitor किया जाता है. Organization को ये पता चले कि उनकी training program जो है, उनका training session जो है, वो employees को या beneficial है कि नहीं. Organizations के जो employees है, training session के लिए interested है कि नहीं. ऐसा ना हो organization training program conduct कराए but employees उस session के लिए interested ना हो. देन लास्ट स्टेप है इवॉल्वेशन ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम. आफ्टर द ट्रेनिंग इज डन द एम्प्लॉयज आर आस्क्ड टू गिव देयर फीडबैक ऑन द ट्रेनिंग सेशन एंड वेदर दे फेल्ट यूजफुल और नॉट. सो एक बार ट्रेनिंग सेशन खत्म हो जाता है देन एम्प्लॉयज को फीडबैक देना होता है ट्रेनिंग सेशन के बारे में कि ये जो ट्रेनिंग सेशन था उनके लिए यूजफुल था कि नहीं था. थ्रू द फीडबैक ऑर्गेनाइजेशन कैन डिटरमाइन द वीक स्पॉट्स इफ एनी रेक्टिफाई इट इन द नेक्स्ट सेशन. सो ये फीडबैक थ्रू ऑर्गेनाइजेशन ये एनालाइज करती है कि कौन से ऐसे एरियाज हैं जिन्हें उन्हें इम्प्रूव करना है नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन के लिए. द इवैल्यूएशन ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम इज मस्ट बिकॉज कंपनीज इन्वेस्ट ह्यूज अमाउंट इन दिस सेशन एंड मस्ट नो इट्स इफेक्टिव इन द टर्म्स ऑफ मनी. सो इवैल्यूएशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट करती है ताकि उन्हें उसका बेटर रिजल्ट मिले या एम्प्लॉय ज़्यादा प्रोडक्टिवली काम कर सके ऑर्गेनाइजेशन में. तो यही उनका मेन मोटिव रहता है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना. सो जस्ट स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग.